वेलकम टू ईशानी वीडियोस। कुंडली भाग्य के आने वाले एपिसोड में आखिर में मुलाकात हो ही गई राजवीर की करण से, लेकिन राजवीर का यहाँ पर ऐसा बौखलाया हुआ रूप देखकर और आंखों में इतना गुस्सा भरा हुआ देखकर करण काफी ज्यादा चौंक चुका है। करण यहाँ पर बात करना चाहता था और उसके साथ साथ बात करना चाहता है कि आखिर में वो यहाँ पर केस वापस ले ले, लेकिन राजवीर ने जैसे करण को देखा, वो पहली बार करण से मिला, पहले तो उसको यहाँ पर अपने दिल से पूरी तरह से आवाज आई पिता के बारे में सोचकर, लेकिन तभी अचानक से याद आया उसका यहां पर बदला लेने का सारा यहां पर मोटिव, और उसके साथ साथ उसकी मां की हालत को देखकर पूरी तरह से अब यहां पर आंखों में गुस्सा भराया है। अब आखिर में क्या होगा खास, क्या यहां पर ऋषभ और बाकी सब लोग पूरी तरह से कामयाब हो पाएंगे केस को वापस लेने में, क्या यहां पर शौर्य जेल से बाहर निकल पाएगा या फिर नहीं, चलिए सारी बातें हम आपको बताते हैं इस वीडियो के अंदर। उसे बताने से पहले आप सब एक लाइक जरूर कर देना और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी जरूर कर लेना। आने वाले एपिसोड में आप सबको देखने को मिलने वाला है कि आखिर में करण पहुंच चुका है राजवीर से मिलने के लिए। राजवीर और करण की मुलाकात होती है जहां पर दोनों के आमने सामने आते ही सबसे पहले राजवीर के चेहरे पर एक तरह से खुशी और दूसरी तरफ से गुस्सा भर जाता है। खुशी इस वजह से कि आखिर में यहाँ पर उसने बहुत सालों बाद में अपने पिता का चेहरा देखा, लेकिन अचानक से यहाँ पर गुस्सा इस वजह से आ जाता है क्योंकि यहाँ पर जो हालत हुई थी प्रीता की और जो हालत हो रखी है प्रीता की, उसका सारा का सारा जिम्मेदार कोई और नहीं बल्कि वो पूरे लूथरा परिवार और करण को मानता है। अब आखिर में यहाँ पर आने वाले एपिसोड में अब शुरू होता है असली खेल, जिसमें आपको देखने को मिलेगा कि राजवीर से पूरी तरह से बात करते हुए नजर आएगा कि आखिर में बेटा तुम ये केस वापस ले लो, मैं यहाँ पर माफी मांगता हूँ, मैं यहाँ पर प्रॉमिस करता हूं कि तुम्हें और तुम्हारी फैमिली को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी और ना ही यहां पर आगे शौर्य ऐसा कुछ करने वाला है, जिसके बाद में यहां पर बातें ना सुनकर पूरी तरह से एक बार फिर से काफी ज्यादा गुस्से में जवाब देते हुए नजर आता है राजवीर। लेकिन अब क्या होगा यहां पर करण का फैसला, क्या होगा करण का रिएक्शन, देखना बड़ा दिलचस्प रहेगा। तो कैसी लगी आपको वीडियो कमेंट करके जरूर बता देना। थैंक